उत्तर प्रदेश और आसाम में बांग्लादेश की तरह उन्माद फैलाने का था प्लान। सीएम योगी की पुलिस ने कर दिया खेल, सीएम हेमंता ने कर दिया ऐलान। आसाम में मिला पाकिस्तानी अलकायदा का समर्थक, तो यूपी में मिला झोला छाप डॉक्टर। इतना जो बांग्लादेश में हो रहा है, जब चर्चाएं हो रही थी, वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वहाँ दलित समुदाय के। दरअसल धर्म को लेकर फैली कट्टरता का पता नहीं कब बड़ा रूप धारण कर ले, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने की फिराक में बड़ी गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही वाक्या उत्तर प्रदेश और आसाम में देखने को मिला है, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक भारत में सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश की तरह भारत में हिंसा फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। यूपी पुलिस और आसाम पुलिस ने उधेड़ के बुन दिया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आसाम से, जहां कैसे उन्माद फैलाना चाहता था युवक। दरअसल आसाम पुलिस की हथकड़ी से बंधा ये शख्स रिजवान उल्लाह है। इसे नहीं पता था कि वो किस राज्य में है। इस कट्टरपंथी की बड़ी मंशा थी कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह स्थिति हो, लेकिन इसे नहीं पता था कि आसाम में हेमंत विश्व शर्मा का राज है और यहाँ ऐसे गद्दारों को बख्शा नहीं जाता। ये कट्टरपंथी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने में जुटा था। आसाम पुलिस ने जब इसे दबोचा तो पता चला कि ये अलकायदा का मेंबर भी है। इस बात का खुलासा इसने खुद किया था। दरअसल मामला बुधवार यानी 7 अगस्त का है। ये कट्टरपंथी जिहादी सोशल मीडिया पर लोगों को आसाम के साथ पूरे भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था। मामला आसाम के हैलाकांडी का है, लेकिन ये युवक काम अलकायदा के लिए करता था। रिजवान ने अपने जवाब में कहा था कि वो हमेशा खुद को बांग्लादेश का करीबी मानता है। ये बात रिजवान ने अवादार हेलीकांडा नामक के एक ग्रुप में लिखी थी। इस कमेंट पर हेलीकांडा पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस ने जांच की, रिजवान को रंगपुर स्थित घर से दबोच लिया। आरोपी को लाला पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में रिजवान ने बताया कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान के सक्रिय अलकायदा आतंकवादियों से है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं पर कार्रवाई हुई है और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ना और शत्रुता बढ़ाने जैसे गैर कानूनी अपराधों के तहत कार्रवाई की गई है। पूरा विश्व बांग्लादेश में फैले हिंदुओं पर अत्याचार को देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आसाम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का एक बड़ा बयान आ गया है। उनके बयान में निश्चित तौर पर कट्टरपंथी सुनकर बौखला जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि झारखंड, असम और देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू कम हो रहे हैं और मुस्लिम बढ़ रहे हैं। ये कट्टरपंथी आगे चलकर भारत के लिए खतरा होंगे, इसलिए इनका हिसाब करना भी अभी से बेहद जरूरी है। जी हाँ, हेमंत विश्व शर्मा ने एक बयान ऐसा दिया है कि जब बांग्लादेश की नई सरकार बन चुकी है, अंतरिम सरकार यूनिसेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शेख हसीना वहां से भाग चुकी है, जहां हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ऐसे में हेमंत विश्व शर्मा का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। और वहां का जो स्थिति है काफी चिंतनीय है, लेकिन हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता। के लिए कितना बार ट्वीट किया, लास्ट 2-3 महीना में आप देखे गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यक के लिए धरना प्रदर्शन करना, आप पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा
लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा। यही कांग्रेस 33% से घट के 8% हुआ। लेकिन लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम हुआ है, अगर वही आंकड़ा आप बंगाल, असम और झारखंड में डाल देते हो, हमारा यहाँ में भी वही परसेंटेज में हिंदू घाटा है, हिंदू का संख्या घाटा है। तो मैंने असम और बांग्लादेश का कंपैरिजन दिया, एक ही समय में बांग्लादेश में 13% हिंदू घाटा है और असम में 9% हिंदू घाटे। मतलब देश में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, डेमोग्राफी का परिवर्तन है, वो कैसे एक भूगोल में कि ये बांग्लादेश है इसलिए वहां हुआ है, इंडिया में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूरा जो ईस्टर्न सेक्टर है बांग्लादेश से साटे हुए, हर जगह में ये हिंदू शिफ्ट हो रहा है, हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है। अब बारी यूपी की है। जब तक बाबा है तब तक यूपी की पुलिस और यूपी का बुलडोजर तैयार खड़ा है। कोई भी अपराधी हो या माफिया हो, सजा जरूर मिलेगी। ऐसा ही वाक्या बरेली में देखने को मिला, जहां हसीब अंसारी और अफसार दोनों यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में ही काम करते हैं, लेकिन सपना बांग्लादेश वाला देख रहे थे। सोशल मीडिया में स्टेटस लगाकर खुल्लम खुल्ला बांग्लादेश वाले प्लान का ऐलान कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहाँ गुंडे मवाली या तो राज्य छोड़कर भाग गए हैं या फिर हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मेरा इनकाउंटर मत करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और उसी बाबा के उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश जैसे आग भड़काने की बात करने वाले सपने में भी सोच नहीं सकते। ये सब हसीब अंसारी और अफसार अंसारी करते हुए दिखाई दिए हैं। उनकी मंशा भारत में बांग्लादेश की तरह उन्माद फैलाना है, इसका वो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं। अफसार भारत की हालत श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह करना चाहता है, दोनों की मंशा एक है, लेकिन बाबा की पुलिस को कहाँ चैन पड़ता है, वो बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करने पहुँच जाती है। इधर इन दोनों लोगों ने बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने का स्टेटस लगाया, उधर कट्टरपंथी सोच पर पुलिस का रिएक्शन हो गया। जैसे ही दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वैसे ही हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के कुछ घंटे के अंदर ही पुलिस ने दोनों का थाने में स्वागत कर दिया। बताया जाता है कि इसमें से एक युवक बरेली के सिरौली का रहने वाला है, जिसके पास न कोई डिग्री है न कोई रजिस्ट्रेशन है, लेकिन फर्जी तौर पर फर्जी लैब झोलाछाप डॉक्टरी का काम करता है और प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। बड़ी कार्रवाई बरेली में देखने को मिली है। इस पर सीएम योगी की पहले भी चर्चा जोरों से रही है। सीएम योगी ने कहा भी था कि सोते हुए हिंदुओं को जागना होगा, कुंभकर्णी नींद में सो रहे लोगों को देखना भी होगा, क्योंकि जमाना बदल चुका है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें, क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितेशी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा, वह हिंदू है। ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। अब आपके दिमाग में सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत में ऐसी घटिया सोच रखने वाले कौन हो सकते हैं जो बांग्लादेश में हो रही घटना को सही बताने का काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब साफ है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर हैं, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश की घटना को सही बताया है।
लेकिन सोचना आपको है, भारत में अमन चैन चाहते हो या फिर दंगा फसाद भड़काना चाहते हो? क्योंकि सीएम योगी और विश्वकर्मा जैसे सीएम रहे तो भारत में उन्माद क्या, दंगा भड़काने जैसे प्लान भी कोई नहीं बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट। दिनांक 4/8/24 को एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला गया, जिसके संबंध में जांच की गई तो वह पोस्ट आसिफ अंसारी पुत्र स्वर्गीय वहीद कस्बा नवाबगंज का पाया गया, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा अपराध संख्या 319/24 धारा 353(2) BNS में अभी गिरफ्तारी कर ली गई है व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।